भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक शुरुआत देखने को मिली। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को शुरुआत में ही पूरी तरह से निराश कर दिया, लेकिन फिर विराट कोहली और अय्यर ने पारी को संभाला तो राहुल ने भी चट्टान की तरह बल्लेबाजी करी। तो चलिए बताते हैं आपको खेल के पहले दिन की पूरी हाईलाइट के बारे में। लेकिन अगर आप भी भारत के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले का टॉस अफ्रीका की टीम ने जीतकर बड़ी ही चालाकी से गेंदबाजी चुन ली और यह फैसला पूरी तरह से उनके पक्ष में भी रहा, क्योंकि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 5 रन के स्कोर पर ही रबाडा की गेंद का शिकार हो गए। भारतीय टीम को बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी 17 रन बनाकर बर्गर की गेंद पर आउट हुए। भारत को दूसरे झटका सिर्फ 23 रन के स्कोर पर लग चुका था। इस बड़े झटके से 3 ओवर भी पाती की इससे पहले शुभमन गिल ने भी पवेलियन का रास्ता देख लिया और सिर्फ 2 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। भारतीय टीम के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे, 24 पर 3 विकेट हो चुके थे और ऐसे में बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और अय्यर ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ शानदार शॉट क्रीज पर लगाए, जिसे देखने के बाद अफ्रीका की टीम थोड़ी सी चिंतित नजर आ रही थी। दोनों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर लगभग 90 रन पहुँचा दिया था और पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक हमारी टीम ने सिर्फ 3 विकेट ही खोई थे। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली और अय्यर टीम को एक बड़े विशाल स्कोर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ अय्यर 31 रन के स्कोर पर चकमा खा गए और रबाडा की गेंद पर बोल्ड हुए। भारत को चौथा झटका 92 के स्कोर पर लगा और उसके बाद विराट कोहली भी रबाडा की गेंद को समझ नहीं सके, 38 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए। भारत को पाँचवा झटका 107 रन के स्कोर पर लग गया था और उसके बाद टीम इंडिया जूझती नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, रविचंद्रन अश्विन भी 8 रन बनाकर 6 विकेट के रूप में आउट हुए, लेकिन उसके बाद राहुल ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। 150 का आंकड़ा शार्दुल ठाकुर के साथ उन्होंने टीम का पर करवाया, लेकिन शार्दुल भी 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन राहुल ने जिम्मेदारी उठाई थी टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाने की। राहुल ने 38 रन बना लिए थे जिसमे 6 चौके और 1 शानदार छक्का भी शामिल था। टीम इंडिया का स्कोर 174 रन हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि राहुल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं शायद उनका उद्देश्य तो यही होगा कि टीम को 250 से भी ज्यादा स्कोर तक पहुंचाया जाए। वैसे आप सभी राहुल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।